सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु दीपांकर जी महाराज एवं भाजपा नगर विधायक राजीव गुंबर ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु दीपांकर जी महाराज ने कहा कि उनका मेन मकसद युवाओं को प्रोत्साहित करना था ताकि वे आगे चलकर देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही उन्होंने नशे से दूर रहने के लिए भी युवाओं का आह्वान किया और कहा कि आने वाले समय में हमें नशे से बचना चाहिए, नहीं तो हमारी आगे की पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने अपील की है कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर सभी को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। के पीछे का औचित्य था कि जितने भी युवा यहाँ पर हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनको चीयरअप किया जाए और उनको बताया जाए कि भारत का भविष्य आप ही हैं, आप ही हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और गोल्ड मेडल देंगे। और साथ ही मेरा बड़ा मिलने का मन था यहाँ के कोच से, जिनके बारे में सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, जो एक योद्धा की भांति इन युवाओं को निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। मगर एक चीज़ सुनकर मुझे बड़ा हैरत हुआ कि यहाँ मेरी एक यात्रा है, भिक्षा यात्रा, जिसमें पहली है भिक्षा के जातियों में विभाजित सनातन एक हो और दूसरी भिक्षा है एक युद्ध नशे के विरुद्ध। तो मैं मात्र इसीलिए आया हूँ कि नशे के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर युवा आए हुए हैं क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए, उन्हें इस नशे से बचाया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।